हेलो बच्चों, देखो बच्चों, आज हम लोग बिल्कुल एलजेब्रा के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेसिक्स इन द सेंस कौन से फॉर्मूले हैं जो बिल्कुल हम लोगों ने कब पढ़े होंगे, 8th 9th 10th में पढ़े थे, ठीक है। सबको पता है फॉर्मूले क्या होते हैं, बट उसका यूज़ 10th से हाई लेवल में हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, डिस्कशन करना है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल छोटे से स्टार्ट कर रहा हूँ, जो फॉर्मूले तुम लोगों को आते हैं, ठीक है। हम लोगों ने बचपन में देखो दो आइडेंटिटी पढ़ी है, सबको पता है कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी हम लोगों ने, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब कहोगे सर ये तो हमको बहुत पहले से पता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। तो देखो अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ों से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है उन चीज़ों को देखना। जैसे सपोज बच्चे यही लिखा है, इसमें अगर हम लोग ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए a की वैल्यू को x और b की वैल्यू को 1/x, ठीक है। क्या लिया है मैंने, a की वैल्यू को x और b की वैल्यू को 1/x। तो देखो जैसे ही हम लोग यहां पे ये पुट अप करेंगे पहले वाले में, तो देखो a की जगह पे ये रख देंगे और b की जगह पे ये रख देंगे, तो इधर भी ऐसे ही कुछ करेंगे हम लोग, तो यहां पर भी देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x 1/x, ठीक है, दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ये। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज अपनी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब अगर ये चीज कैंसिल हो गई तो हम लोग यहां से क्या देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2, ये किसकी वैल्यू हो गई अपने सामने, एक्स प्लस 1/x की, और इसका क्या चढ़ा दिया हम लोगों ने, स्क्वायर, ठीक है। यानी अगर इसी चीज में हम लोग केवल ये दो वैल्यू रखे तो ये एक हमारे सामने क्या मिल गया, नया फार्मूला मिल गया। अब कहोगे सर इसमें क्या फार्मूला है, इसमें देखो अगर इसकी वैल्यू निकाले हम लोग इसकी, ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी अपने सामने, अगर इसी चीज को निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर, बस इस 2 को इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। तो ये आ गया इस चीज की वैल्यू, यानी अगर हम लोगों को कभी इस चीज की नीड पड़ेगी तो हम लोग किसका यूज करेंगे, इसका यूज करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे, थोड़ी देर के बाद एग्जांपल आएगा, हम लोग यूज करना सीख लेंगे, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर ये वैल्यू मैंने यहां रखी है वैसे ये वैल्यू यहां पर भी रख सकते हैं, तो कहोगे सर इसमें और इसमें केवल एक ही डिफरेंस होता है कि माइनस आता है, ठीक है, तो चलो हम लोग यहीं पर माइनस लगा लेते हैं। अगर माइनस आता है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होने वाला है, देखो ये माइनस आएगा, ठीक है, तो कहोगे सर यहां पे माइनस लगा हुआ है, दिख रहा है ना, ये माइनस लगा, तो कहोगे सर यहां पे माइनस आएगा तो यहां पे भी माइनस आएगा। अब जब ये माइनस वाला इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में, और ये क्या हो जाएगा अपने सामने, माइनस, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। यानी जब माइनस वाला लेंगे तो ये रेड वाली जगह पे सिर्फ क्या लगा देना है हम लोगों को, माइनस माइनस, बाकी सब कुछ हमारे सामने क्या रहने वाला है, सेम, क्योंकि इनमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रीजन है देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों जगह पे क्या है, दोनों जगह पे बीच में प्लस आता है, ठीक है। तो इस जगह पे हम लोग इसकी वैल्यू का ये यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि इधर तो हमें कोई चेंज वेंज होना नहीं है, जो चेंज होना है वो प्लस 2 -2 पे होना है और इधर वाले पे होना है, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे, अगर ये प्लस है तो यहां पे -2 आएगा, और अगर ये माइनस है तो यहां पे क्या आ जाएगा अपने सामने, +2 आ जाएगा, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। अब इसी चीज से देखो हम लोग कई सारी जगह पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी करेंगे, एक दो वीडियो मैंने उस पर बनाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करते हैं, ठीक है, लेकिन आज हम लोग एलजेब्रा की बात कर रहे हैं, तो मैं 2-3 यूज दिखाता हूं। ऐसा नहीं है कि केवल इसी में यूज कर सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी इन्हीं फॉर्मूलों का यूज कर करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं अपना आंसर, ठीक है। तो देखो सबसे पहला यूज इस चीज का कि आखिर हम लोग इसका यूज कहां कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने तुम्हारे सामने लिखा हुआ है कि इनका यूज हम लोग यहां यहां पर कर सकते हैं, जितने भी हैं उन सब का यूज ऐसी चीजों में कर सकते हैं। अब देखो ये तो तुम लोग को याद ही होगा कि ये फॉर्मूले जब भी यूज होते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है बेटा, फैक्टर करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आज भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। तो मैंने केवल अभी 3 यूज तुम्हारे सामने लाए, ठीक है, 3 यूज कुछ एग्जाम्पल, बाकी सारे यूज हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इसमें कितने यूज करने वाले, केवल 3। तो चलो पहला यूज देखते हैं कि पहला यूज क्या है, ठीक है। तो देखो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से, ठीक है, कौन सी चीज सॉल्व कर सकते हैं, एक्स की पावर 4, ठीक है, कौन सी चीज सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, एक्स की पावर 4
फिर ये क्या अपने पास बी एक्स क्यू, फिर क्या यूज कर सकते हैं अपने सामने, वेट ठीक है, फिर यूज कर सकते हैं सी एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस ए। अब कहोगे सर इसमें खास बात क्या है, तो देखो बच्चे इसमें खास बात क्या है, मैं तुमको खास चीज दिखाता हूं, देखो यहां पे और यहां पे देखो x की पावर 4 के बगल में यहां पे क्या लिखा था a, और यहां पे भी क्या लिखा है a, x क्यूब के बगल में क्या लिखा था यहां पे b, x के बगल में देखो क्या लिखा है, इन दोनों को देखो एक इसको और एक इसको, क्यूब और इसको देखो, इन दोनों के बगल में क्या लिखा है b, यानी अगर हम लोग देखें पहला और अंत से पहला फर्स्ट और लास्ट इनमें जो कोफिशियंट है वो क्या है सेम है, सेकेंड और सेकेंड लास्ट इनमें भी कोफिशियंट क्या है सेम है, तो अगर कभी भी किसी भी पावर फोर इक्वेशन में ऐसा होता है कि फर्स्ट फर्स्ट लास्ट सेकेंड सेकेंड लास्ट और ये सारी चीजें आपस में क्या चल रही हो कोफिशियंट ठीक है कोफिशियंट सेम चल रहे हो, तो इन केसेस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है इस पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड। अब कहोगे सर एक्स स्क्वायर क्यों, ये देखो जो बचा था ना बीच में, ये जो बचेगा इसमें जो x की पावर होती है नॉर्मली उससे डिवाइड करते हैं ठीक है, नॉर्मली पावर 6 का आता नहीं है, 4 तक ही आता है ठीक है, अगर पावर 6 होगा तो यहां पे क्यूब लिखा होगा फिर ठीक है, फिर किससे डिवाइड करते हैं क्यूब से डिवाइड करते हैं ठीक है, लेकिन अभी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो क्यूब से डिवाइड नहीं करेंगे अभी, अभी हम लोग किससे डिवाइड करने वाले हैं क्वाड्रेटिक मतलब पावर 2 वाले से ठीक है, तो अगर ये पावर 4 का है तो ऑलवेज किससे डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से ठीक है, जैसे ही तुम एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे वैसे ही ये क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा और बाकी जो मैंने तुम्हें फॉर्मूले बताए थे ना उनका यूज हो जाएगा ठीक है। अब दूसरा यूज एग्जाम्पल के थ्रू मैं आगे बताता हूं ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे केसेस ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो लिखा है अपने पास x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब देखो x की पावर 4 के बगल में कितना लिखा है 1, लास्ट में कितना लिखा है 1, माइनस 5 लिखा था तो यहां पे भी माइनस 5 है, मतलब इस चीज को फॉलो कर रहे हैं, और अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या करना है बस इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है, अपने आप क्या निकल के आ जाएगा आंसर ठीक है। बाकी एक एग्जांपल मैं पूरा का पूरा सॉल्व करके तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे ये सॉल्व होकर तुम्हारे सामने आंसर आ जाएगा ठीक है। अब देखो दूसरा यूज क्या है इस वाले टाइप की इक्वेशन, अब कहोगे सर इस टाइप की इक्वेशन में क्या खास बात है, तो देखो है क्या बेटा यहां पर अगर देखें तो एक्स स्क्वायर की पावर कितनी चढ़ी हुई है एन ठीक है, यहां पे x की पावर कितनी चढ़ी है n, तो देखो थोड़ा सा इसी में चेंज करते हैं कि अगर x की पावर n को t ले ले, क्या ले लेते हैं x की पावर n को t ले लेते हैं, तो देखो बच्चे इस चीज को हो क्या जाएगा, अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं ना, पहले वाले टर्म को देखो बिल्कुल ऐसे करके लिख सकते हैं, अब हमने अगर x की पावर n को t लिया है तो देखो ये क्या हो जाएगा अपने सामने टी स्क्वायर ठीक है। अब टी स्क्वायर रहने से फायदा क्या हो गया, बाकी तो देखो तुम्हें क्लियर ही है कि इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बी एक्स की पावर एन है और यहां पे क्या है सी है, तो अगर हम लोग यहां पे ही डालेंगे तो देखो ये बी है, ये कितना हो जाएगा टी और ये कितना हो जाएगा सी। अब देखो ये बन गई अपनी जानी पहचानी इक्वेशन जिसकी हम लोग क्या निकाल सकते हैं फैक्टर, क्योंकि इसके बारे में तो हम लोगों को पता ही है ना, या तो दो रूट आएंगे रियल, नहीं तो एक आएगा रियल और इक्वल वाला, नहीं तो कोई रियल रूट नहीं आने वाला है ठीक है, तो इसके कितने केस हैं वो बात की बात है, तो हम लोग इसके आंसर निकाल सकते हैं। तो मतलब क्या है, अगर कभी भी ऐसी इक्वेशन दिखेगी जैसे हम लोगों के यहां पे कितना दिख रहा है 2n, तो उसका आधा यहां पे दिखेगा, 2n का आधा कितना हो जाता है n, तो ऐसे इक्वेशन में भी हम लोग किसका यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब कहोगे सर इसका एग्जांपल क्या है, तो देख लेते हैं फटाफट, जैसे मान लो ये लिखा है ठीक है, एक एग्जांपल की बात कर रहे केवल, कितनी पावर थी 4, 4 का आधा कितना हो जाता है 2, 2 ठीक है, तो देखो हाईएस्ट पावर का आधा कर दिया इसने, 4 का आधा 2, तो सीधे सीधे क्या करेंगे हम लोग, ये जो बीच में लिखा ये इसी चीज को हम लोग क्या लेट कर देते हैं टी, जैसे ही इसको टी लेट करेंगे हमें हमारा क्या मिल जाएगा आंसर ठीक है। तो ये बात को याद रखेंगे, दो केस हो गए क्लियर, पहला जब पहला आखिरी बराबर दूसरा दूसरे लास्ट से बराबर तब इसका यूज होगा ठीक है, कभी भी हाईएस्ट पावर का आधा चल रहा हो ठीक है, आधा 6 का आधा कितना हो जाता है 3, तो उस केस में क्यूब वाले को क्या लेट कर लेना टी,
चार का आधा कितना हो जाता है दो, तो एक्स स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग टी। तो ऐसे केसेस, ठीक है, ऐसे केसेस में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरे में देखो क्लियर दिख रहा है, यहां पे भी x माइनस ए है और यहां पे भी क्या है x माइनस ए। तो इस केसेस में, ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे, x माइनस ए की जगह पे क्या रख लेंगे, केवल t। जैसे ही रखेंगे वैसे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, अब कहोगे सर इतनी थियोरेटिकल तो समझ में नहीं आया, चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि आखिर इनको यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइप था, मैं बताता हुआ चलूंगा। ठीक है, कि देखो ये वाला टाइप मैच हो रहा है, ये वाला कैसे करेंगे, इनसे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन तुम्हें मेंस में मिल जाते हैं। ठीक है, और ये बेसिक पर है, बिल्कुल बेसिक। चलो देखो पहला क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग एग्जाम्पल भी चलते हैं। अब ध्यान से देखो क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो याद आया कि सर ने पहली स्लाइड में कोई फॉर्मूला बताया था हम लोगों को। ठीक है, पहली स्लाइड में क्या बताया था मैंने तुम लोगों को, फॉर्मूला। तो चलो पहली स्लाइड में चल के देख लेते फटाफट कि क्या फॉर्मूला था अपने पास। भाई दो फॉर्मूले लिखे थे यहां पे सर ने, देखो ये लिखा है ना एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला। ठीक है, अब या तो ये प्लस वाला है नहीं तो ये माइनस वाला होगा। ठीक है, अगर ये प्लस है तो हमें यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, माइनस, और अगर माइनस है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। अब कंफ्यूजन है कि सर कौन सा लगाए, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में कि कौन सा लगा सकते हैं बेटा हम लोग। चलो देखते हैं, देखो ये दिया है हमको, अब ये दिए होने से क्या हो गया, प्लस वाला लगेगा फॉर्मूला अपने पास। रीजन, हम लोगों ने देखो क्या फॉर्मूला सीखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा यहां पे, टू। यही क्यों यूज किया, क्योंकि देखो इसकी वैल्यू हमारे सामने लिखी हुई है, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी देके रखी है हमारे सामने, तीन। तो देखो इसमें जैसे ही वैल्यू डालेंगे एक लाइन में अपना क्या आ जाएगा, आंसर। तो चलो फटाफट वैल्यू डाल के आंसर निकाल लेते। तो तीन रखते ये कितना हो गया, तीन स्क्वायर माइनस दो। अब तीन का स्क्वायर कितना जाता है, नाइन माइनस टू, कितना आंसर आ गया अपने सामने, सेवन। ठीक है, तो देखो एक छोटा सा यूज था ये इसका, कि कौन सा यूज करे। अब अगर यहां पे ये माइनस वाला गिवन होता तो हम लोग यहां पे किसका यूज कर लेते, माइनस वाले का। ठीक है, अभी प्लस वाला गिवन था तो हमने किसका यूज कर दिया, प्लस वाले का। आई थिंक ये क्वेश्चन तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो दूसरे पे चलते हैं। हाँ, अब देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दी है 11, और पूछा क्या गया है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। तो तुरंत ही दिमाग में आ गया सर माइनस वाला यूज कर लेते हैं। तो चलो माइनस वाला देख लेते क्या होता है बेटा, x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस का टू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डाल देते हैं यहां पे, कितनी आ जाएगी, 11 माइनस टू, कितना आ गया अपने सामने, 9। अच्छा, अब एक चीज और भी है यहां पे कि सर ये तो स्क्वायर चढ़ा है। अच्छा, अगर स्क्वायर चढ़ा है तो क्या करना है हम लोगों को, सिंपली इधर भेज देते हैं। तो स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो जाता है, हम सबको पता है कि तीन का स्क्वायर रूट सर प्लस और माइनस तीन हो जाता है। ठीक है, यानी आंसर या तो ये प्लस थ्री वाला होगा इसका, नहीं तो कौन सा होने वाला है, माइनस थ्री वाला है। ठीक है, तो देखो दूसरा यूज हो गया इसका, कि अगर ये गिवन है तो ये कैसे निकाल सकते हैं, क्लियर है ना, ये वाली वैल्यू गिवन है तो इसको कैसे निकाला जा सकता है। चलो एक और एग्जाम्पल सीख लिया हम लोगों ने कि ठीक है ये चीज आएगी तो हम लोग इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, आ गया, देखो वो याद है ना दूसरा वाला यूज क्या सिखाया था मैंने, अगर हाईएस्ट पावर का आधा यहां लिखा हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर दिख रहा है, चार का आधा दो लिखा है, अरे सर याद आ गया ये तो। अब क्या याद आ गया, कि अगर चार का आधा ये दो ही है तो हम लोगों को क्या लेट कर लेना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू को टी। अब जैसे ही एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी तुम यहां रखोगे, ये कितना हो जाएगा अपने सामने, टी स्क्वायर माइनस का 5t प्लस का कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर है ना, क्योंकि देखो अगर x स्क्वायर t है तो अगर दोनों साइड का स्क्वायर मारेंगे तो x की पावर 4 किसके बराबर हो जाएगा अपने सामने, t स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो चलो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा फटाफट इसके फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं, हम सबको पता है 2 × 3, और तीन और दो कितना भी हो जाता है, 5 भी हो जाता है। तो यानी अगर इसके फैक्टर की बात आएगी तो हम लोगों को पता चल गया कि इसके फैक्टर तो यही आने वाले सर। ठीक है, t कॉमन कर लेते हैं, t माइनस टू, थ्री
टी माइनस सिक्स इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे एक टू आएगा ना, वेट कॉमन किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे टू। अब टी माइनस टू यहाँ से पूरा कॉमन कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा टी माइनस थ्री, यानी टी की दो वैल्यू आ गई, एक आ गया टू और एक आ गया थ्री। लेकिन क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी गई है, एक्स की, तो चलो टी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं आके। तो देखो जैसे ही तुमने टी की वैल्यू यहाँ रखी तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा अपने सामने, या तो दो नहीं तो तीन, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या जाता है सबको पता है, प्लस माइनस रूट। ठीक है, तो एक आंसर हो गया प्लस माइनस रूट टू, दूसरा आंसर क्या हो गया अपने सामने प्लस माइनस रूट थ्री। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्यों सिखाया, मैंने एक वीडियो बनाया था मॉड के ऊपर। ठीक है, तो देखो मॉड वाला क्वेश्चन जो होता है ना मेंस में आता है इसी टाइप का है, बिल्कुल छोटा बच्चों वाला, उसमें भी हम लोग ऐसे ही टी लेट करके सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली भी मैं सिखा दूंगा तुम लोगों को, लेकिन ये क्या है बिल्डअप है अपना। ठीक है, बेसिक से हम लोग क्या जाएंगे अपना हाई लेवल की ओर, क्या कर रहे हैं बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये एक अपना एग्जाम्पल और हो गया। ठीक, चलो अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। फिर से मैच हो गया केस कि सर तीसरे नंबर पे कुछ आपने ऐसे ही लिखा था, क्या लिखा था मैंने, ध्यान करो, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए प्लस सी, सी लिखा था ना वहां पे, अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या करेंगे x माइनस ए को t मान लेंगे। ठीक है, सर ने अगर ऐसा बोला था तो हम लोग भी कर लेते हैं। देखो x माइनस ए की जगह पे क्या लिखा है अभी x माइनस टू, तो चलो हम लोग भी इसको t मान लेते हैं। तो अगर इसे t माना तो देखो ये t स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अपने सामने 5t, और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, पीछे ही वाला आ गया अपने पास, अभी यही फैक्टर हम लोगों ने किए थे, बस वहां पे यहां पे माइनस लगा था, यहां पे क्या लगा था प्लस, तो बस माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा, तो सेम ही फैक्टर का यूज कर लेते हैं। चलो कितना आ जाएगा टी प्लस टू टी प्लस थ्री, यानी यहां से जो टी की वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है माइनस टू और माइनस थ्री। ठीक है, फिर से भाई हमें तो क्वेश्चन में एक्स पूछा गया, तो ये टी उठा के यहां रख देते हैं, तो जैसे ही टी को यहां रखोगे क्या मिलेगा हम लोगों को x माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री। अब इसको इधर भेजेंगे तो देखो ये प्लस में हो जाएगा दोनों के साथ। ठीक है, ये जीरो ये माइनस वन, तो x का आंसर क्या आ गया बेटा जीरो और माइनस वन। तो चलो ये भी क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया, बच्चों वाला क्वेश्चन था छोटा सा, बस क्या याद रखना हम लोगों को तरीका कि अगर इस टाइप की चीज आती है, अगर इस टाइप की कोई भी चीज आती है तो हम लोग क्या याद रखेंगे कि दोनों में सेम दिख रहा है तो हम लोग को टी मान लेना है। ठीक है, जैसे ही हम लोग टी मान लेंगे हमारा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं, आ गया नेक्स्ट पे। ठीक है, पहला टाइप सिखाया था ना मैंने, कुछ याद रखना क्या सिखाया था उसमें कि अगर x की पावर चार आ जाए तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे कोफिशियंट। देखो x की पावर चार के बगल में कितना लिखा है वन, लास्ट में कितना लिखा है वन, क्यूब के बगल में कितना लिखा है पांच, तो यहां पे भी कितना लिखा है, अरे सर पांच ही लिखा है ये तो, यानी ये तो पहला वाला आ गया केस। और मैंने क्या बोला था जैसे ही दिखे बीच में जो भाई साहब लिखे उसी से डिवाइड करते हैं, और पावर चार में तो मैंने फिक्स कर दिया तुम्हारे लिए, पावर चार में क्या फिक्स किया था कि पटाक से मारेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड, क्योंकि जैसे ही एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे हमारा काम हो जाएगा। चलो हम लोग भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो देखो चार को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा स्क्वायर, क्यूब को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एट, यहां पे कितना हो जाएगा एक्स, क्लियर है ना कैसे हो गया। देखो सिंपली मैं यहां पे तुम्हें दिखा देता हूं, एक्स की पावर चार है ये तो कट गया, क्यूब है स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक्स और ये है तो देखो एक एक्स कट जाएगा तुम्हारा, तो यहाँ पे कितना बचेगा वन अपॉन एक्स, तो यही सब करके मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, देख लो सबको डिवाइड करके, अब यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं तो सीधे सीधे ये लिख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे इसके बाद जो एक जैसे टर्म होते हैं उनको साथ में लेते हैं। देखो जैसे एक्स स्क्वायर वाला ये हो गया साथ में, इन दोनों को देखो माइनस पांच कॉमन है तो इन दोनों को क्या ले लेते हैं साथ में, यहां तक पहुंच गए हम लोग। ठीक है, जो एक जैसा दिखेगा उसको साथ में ले लेंगे। अब कहोगे सर ये तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है,
क्या जाना पहचाना आया कि सर आपने तो बताया था पहले वाले पे कि इसी चीज को रीअरेंज करके हम लोग कुछ लिख सकते हैं, तो चलो उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं टी मानूंगा। किसको टी मानेंगे हम लोग? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी। ठीक है, अब जो ये लिखा है अपने पास, कौन सा वाला? जो अपने सामने ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो देखो इसको जो लिखा है हम लोगों ने वो क्या था, ध्यान से देखना फिर से, अगर याद आ जाए। ठीक है, नहीं तो पीछे जाके देख भी सकते हो कि सर ने तो यही फॉर्मूला हम लोग को लिखवाया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो देखो ये अगर टी है तो हम लोग यहां पे टी मार देंगे, तो जैसे ही टी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा अपने सामने, टी स्क्वायर माइनस टू। यानी अपना तो काम बन गया भाई, अपना काम क्या बन गया भाई, इसका भी आंसर पता चल गया, अब इसका भी आंसर पता चल गया। तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर पता चलने से क्या हुआ अपने पास। ठीक है, तो चलो देखते क्या हुआ। देखो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास, माइनस फाइव। इसका कितना हो जाएगा, टी प्लस का एट, दिख रहा है ना, टी स्क्वायर माइनस टू इसका आ गया, इसका आ गया। इसे देख लेते क्या आ जाएगा, फिर से वही, क्योंकि मैंने देखो क्वेश्चन ऐसे ही डिजाइन किए थे कि जिनमें सोल्यूशन हम लोगों को ये सीखने को मिले कि हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन हो जाता है, हम सबको पता है इसके फैक्टर कैसे होते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने पीछे इसके फैक्टर किए थे ना, क्या आंसर आया था, टू और थ्री। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम लोगों ने इसका यूज किया तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बदल गया, क्या थी, पावर चार, चार जो हमने कभी सुना ही नहीं था कभी सॉल्व हो सकती है। ठीक है, आज तक देखा नहीं लेकिन सॉल्व हो गई। ठीक है, और वो भी किससे हो गई, टेंथ के बेसिक से। बस क्या करना था, एक छोटी सी चीज को याद कि अगर ये बराबर है तो एक्स स्क्वायर से क्या कर देना हम लोगों को, डिवाइड। तो चलो अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद क्या हुआ आप देखते, टी आ गया, लेकिन क्वेश्चन में फिर से हमें क्या निकालना था, एक्स। तो ये टी की वैल्यू कहां रखेंगे, इस जगह पर रख लेते आके। ठीक है, क्योंकि जैसे हम लोग यहां पे टी रखेंगे तो हम लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा, तो चलो रख लेते हैं टी। तो पहली टी की वैल्यू थी अपने सामने टू, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेज देते हैं। अरे ये तो फिर से काम हो गया अपना आसान, ये क्या होता है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, सबने पढ़ा होगा। ठीक है, अब स्क्वायर इधर जाएगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, यानी एक सॉल्व हो के आ गया एक्स की वैल्यू वन, एक एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई अपने सामने, वन। कैलकुलेशन आसान है ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद है ना सबको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है, तो यानी टू रखने से एक्स की वैल्यू आ गई अपने सामने वन, तो चलो थ्री रख के देखते हैं अब। ठीक है, तो चलो अगली वैल्यू रख लेते हैं, क्या निकली थी अपने पास, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस वन थ्री एक्स, इसको इधर भेज देते हैं। ठीक, अब इसमें अपना वो फॉर्मूला याद है ना सबको, ए की वैल्यू वन है, बी की वैल्यू माइनस थ्री है, पुट कर लेना, इसके फैक्टर नहीं निकलने वाले। ठीक है, तो इसको ऐसे सॉल्व कर लेना। तो देखो यहां पे क्या होता था अपने पास, माइनस का बी, तो बी की वैल्यू कितनी चल रही है, माइनस थ्री, प्लस माइनस बी स्क्वायर नाइन, माइनस फोर, ए और सी दोनों वन लिखे हुए हैं, अपॉन में टू ए। ओके, अब ये कितना हो जाएगा बेटा, तीन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू। ठीक है, सॉल्व हो गया ये, देखा तुमने कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से, किसकी हेल्प से बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम लोग बड़ी बड़ी चीजों को छोटे तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक चीज और मैंने तुम्हें सिखा दी, बढ़िया सी चीज है, याद रखना हमेशा इस चीज को। ठीक है, कि अगर ये मिलेगा तो हम लोग इस टाइप को आराम से ये ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, टाइप अपना याद रखना, टाइप नहीं भूलना, पहला आखिरी। ठीक है, टाइप में मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहला आखिरी, सेकंड सेकंड लास्ट, मतलब पहला अंत वाला, दूसरा दूसरा लास्ट से। ठीक है, ये आपस में कोफिशिएंट क्या चलेंगे, सेम, साइन भी सेम होते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस ही होना चाहिए, ये नहीं कि प्लस वहां पे लगा दो जाके। ठीक, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये हो गया, मैंने तीन टाइप तुम्हें बताए थे, तीनों टाइप क्लियर कर दिए। अब देखो थोड़ा सा मैं लेवल इंक्रीज कर रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं कि आखिर इसका यूज और कैसे हो सकता है।
ठीक है। तो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन आया अपने सामने, क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, और क्या निकालना है हमको, पाँच। अब कहोगे सर आपने तो पाँच सिखाया ही नहीं, ठीक है आपने सिखाया नहीं और हमने कभी लाइफ में पढ़ा भी नहीं है कि एक्स की पावर पाँच कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे होगा, तो चलो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों अगर ये ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए ना, तो देखो पाँच पावर कैसे बनती है, पहले ये दिमाग में लाते हैं कि सर पाँच पावर लाने के लिए दो और तीन को अगर हम जोड़ दें तो हमें कौन सी पावर मिल जाएगी, पाँच, ठीक है, क्या मिल जाएगी हम लोगों को पावर, पाँच। तो चलो देखते हैं इसको। तो देखो बेटा ये जो लिखा है, एक काम करते हैं इसको इस साइड भेज देते हैं, जस्ट बेटा क्या करते हैं इसको इस साइड भेज देते हैं। आप कहोगे सर इसको इस साइड भेजने से फायदा, देखते हैं क्या फायदा मिलता है, ठीक है। तो चलो ये आ गया, अब x से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो जैसे ही x स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा बेटा, x, और 1 पे क्या आ जाएगा, ठीक है। अब कहोगे सर ये तो आ गया, ये तो जाना पहचाना सा है, तो एक काम करते हैं सबसे पहले हम लोग अपना जो फॉर्मूला याद किया था उसको लगा लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर था बेटा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, अच्छा ठीक है। तो तीन रखेंगे यहां पे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, सेवन, नाइन में से दो गया कितना बच जाता है सेवन, तो चलो एक आ गया। अगर एक आ गया तो देखते हैं भाई कि थोड़ा बहुत और आगे देखते हैं कि क्या कुछ और मिल सकता है हम लोगों को क्या। तो देखो जैसे हमने स्क्वायर निकाला है वैसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, क्यूब। अब देखो क्यूब किसका लगाएंगे, इसी चीज का क्यूब। अब कहोगे सर इस चीज का क्यूब क्या होगा, सिंपली ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है अपने पास, देख लेते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी, ए प्लस बी होता है ना ये, ठीक है। अब देखो x प्लस वन अपॉन एक्स, कहोगे सर ये तो यही गिवन है, तो चलो मैंने भी कहा रख लेते हैं, ठीक है, ये हमको नहीं पता है तो रखे रहते हैं ऐसे, क्या फर्क पड़ता है अपने पास, ओके ये कट गया प्लस थ्री। अब ये कितना है अपने पास, थ्री दिख रहा है ना, ये थ्री है तो ये कितना हो जाएगा, नाइन, अच्छा ये हो गया ट्वेंटी सेवन, और इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, नाइन। तो यहां से तो हम लोग को देखो इसकी वैल्यू भी मिल गई यार, ठीक है, यानी एक चीज और भी सीख गए हम लोग कि अगर हम लोगों को इस चीज की वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कितना आंसर आ गया इसका, अट्ठारह, क्लियर है ना, अट्ठारह आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो चलो क्यूब वाला मिल गया, स्क्वायर वाला मिल गया, अब कहोगे सर करना क्या चाह रहे हो आप, तो चलो देख लेते हैं हम लोग कि क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, आखिर हम लोग करना क्या चाह रहे हैं। तो चलो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इनको हम लोग क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो जैसे ही ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर इससे कितना हो जाएगा, पावर पांच, एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो वन अपॉन एक्स, वन अपॉन ये होगा तो ये हो जाएगा, देख लो ये कितना आ जाएगा एक्स, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, यानी अगर देखें तो यहां पे दो टाइप के टर्म मिल रहे हम लोगों को, एक ये वाला और एक मिल गया एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। अब कहोगे सर ये तो हमसे पूछा गया, ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जो हमसे निकालना है वो क्या हो गया अपने पास, p, ठीक है, बाकी की वैल्यू पता है हम लोगों को। अब कहोगे सर इसकी वैल्यू क्या थी, तो यही सेवन निकाली थी, इसकी वैल्यू क्या निकाली हम लोगों ने, 18 निकाली थी ना 18, तो कहोगे सर ये भी है तो साथ में ये तो क्वेश्चन ही में देके रखा है तीन, ठीक है, तो फटाफट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो ये मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा अपने पास, 126, क्लियर है ना, ये तो 126 हो गया। अब देखो ये वैल्यू कितनी देके रखी थी, तीन, तो प्लस का तीन है इधर आ जाएगा, पी मिल गया हम लोगों को, कितना आंसर आ रहा है, 126 माइनस 3 मतलब कितना हो गया बेटा आंसर, 123। तो देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है, कुछ नहीं था, था वही जो हमने क्या पढ़ा है नाइन्थ और टेंथ में, और कितना अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है।
कि अगर ऐसी कोई चीज आती है तो हम लोग देखो कितने छोटे तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा क्वेश्चन। इस पे किसके ऊपर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कह सकते हो कि इसमें थोड़ा सा क्यूबिक का भी यूज आ गया कि ए प्लस बी का होल क्यूब भी यूज करवा दिया मैंने तुमको। ठीक है, आई थिंक पूरी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा तुम लोग को। तो चलो एक और देखते हैं आगे। ठीक, नाइन्थ। अब ये देखो एक चीज और है। ठीक है, मैंने एक नई चीज भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी ताकि तुम लोगों को क्लियर रहिए। अब कहोगे सर इसमें क्या? तो देखो बच्चे इसमें है क्या, ये लिखा है 4 की पावर x। ठीक है, ये लिखा है 2 की पावर x, माइनस वन है तो माइनस वन मेरा इतना बेटर नहीं है, 2 की पावर x दिख रहा है। तो एक चीज देखते हैं यहां पे पहले। ठीक है, पहले क्या देख लेते कि सर ये था 2 की पावर x, थोड़ी देर के लिए इसको t मानते हैं। अगर इसका दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। मतलब क्या है ये? मतलब तो सर ये दिख रहा है कि अगर ये नंबर t है तो इसका स्क्वायर हमें यहां पे दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा दिख रहा है तो चलो हम लोग फिर क्या करते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इसका क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो एक चीज और सीखने को मिल गई। क्या मिल गया? कि अगर एक नंबर और उसका स्क्वायर लिखा है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, लेकिन x कहां पे होना चाहिए? पावर पे। एक नंबर और उसका स्क्वायर, और अगर x पावर पे हो तो हम लोग इस चीज का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं इसका यूज कैसे किया जा सकता है। ये तो ऐसे ही रखेंगे। अब देखो बचपन से ही हम लोगों ने सीखा है कि माइनस का मतलब क्या हो जाता है, पावर डिवाइड में चला जाना। ठीक है, अब ये हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, टी स्क्वायर। ये कितना हो गया? 5। ये कितना हो गया अपने सामने? टी 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर, 24 के ऐसे फैक्टर कि 5 आए। तो जितना पढ़ा है 8 × 3 होता है ना, 8 × 3, 8 में से 3 चला गया, कितना बचेगा सीधे सीधे 5। तो यानी इसके फैक्टर अपने सामने कितने निकल के आ जाएंगे डायरेक्टली, 8 - t, t - a और t + 3। ठीक है, इसके फैक्टर कितने निकल के आ गए अपने सामने, ये वाले। अब इसे 0 के बराबर कर देते हैं। तो देखो यहां से t के 2 आंसर आ गए, एक आ गया 8 और एक आ गया -3। एक क्या आया? 8 और एक आया -3। फिर से वही सर, क्वेश्चन में तो x दिया था तो t की वैल्यू यहां रख देते हैं। पहले 8 रख लेते हैं। 8 क्या होता है? 2 का क्यूब। अभी ये नीचे वाला हिस्सा अगर सेम होता है, ठीक है, ये दोनों सेम तो पावर भी सेम है, तो ये क्या इंप्लाइज कर रहा है कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। दिख रहा है ना, 2 की पावर है, 2 की पावर है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई अपने सामने? 3। अब t की अगली वैल्यू ये, अब देखो ये क्या है, ये याद रखने वाली चीज आ गई। देखो 2 है हमारा एक नंबर, वो भी कैसा, पॉजिटिव। पावर है x, कुछ भी डालो। चलो हम लोग 2 की पावर 1 की बात करते हैं। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 की पावर 2 4 होता है, 3 8 होता है। सर ये तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ठीक है, माइनस वैल्यू भी डालोगे तो 1/2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर अगर ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है और पावर क्या है अपने पास, एक्स है, तो ये -3 के बराबर तो होने से रही। रीजन, क्योंकि पॉजिटिव नंबर की पावर कोई भी हो आंसर तो प्लस में ही आएगा ना। एक साइड पॉजिटिव है, दूसरी साइड नेगेटिव है, तो कैसे बराबर कर दे? तो इसका मतलब हम लोग इसको बराबर नहीं कर सकते, और अगर बराबर नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या हुआ, बेकार ही अपने लिए। ठीक है, बेकार होने का मतलब क्या हो गया सीधे सीधे कि सर इसका आंसर तो निकलना नहीं है। तो एक चीज हम लोगों ने यहां पे और भी सीख ली कि पॉजिटिव नंबर की पावर नेगेटिव नंबर के बराबर तो कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो क्या याद रखने ना हम लोगों को सीधे सीधे कि अगर कोई पॉजिटिव नंबर है उसकी पावर है तो वो नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं होनी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सीधे सीधे, नो सोल्यूशन, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव इक्वल्स टू नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो यानी इस केस का एक आंसर आ गया x = 3। ठीक है, समझ आ गई ये बात भी। चलो एक और देखते, ये चीज आई है। ठीक है, एक चीज और है जो तुम लोग को बेटा कई जगह पे मैथ में यूज में आएगी। ठीक है, इस चीज के फैक्टर क्या आएगा बेटा हमारे सामने, यूज बहुत जगह मिलता है। ठीक है, कई जगह पे यूज करवाऊंगा मैं तुम लोगों से, तो ये बेसिक में अभी से याद रखेंगे तो उस वक्त क्या होगा, मेरी हेल्प की नीड नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। ठीक है, तो क्या करते हैं उसमें, देखो अगर इस चीज के फैक्टर की नीड आए तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर को एड कर देना और क्या कर देना, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब कहोगे सर ऐड हो गया, अब ऐड होने से क्या होगा, तो देखो ये और ये ऐड हो गए, कितना मिलेगा हम लोगों को, 2।
ठीक। अब देखो ये क्या अपने पास लिखा है, ये लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब कहोगे सर ये कैसे हो गया, तो देखो मैं तुम्हें यहां पे साइड में दिखा देता हूं, पढ़ाई है सबने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab x की पावर 4 1 प्लस 2x स्क्वायर आ गया। तो देखो मैंने इसी चीज को डायरेक्टली ये लिख दिया था, ठीक है। अब कहोगे सर ये डायरेक्टली लिख दिया था, तो देखो ये क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर से देख लेते हैं, ए प्लस बी एक बार दोनों को क्या करते थे, जोड़ देते थे, और एक बार दोनों को क्या कर देते थे, सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसके बाद इसका यूज कहां पर आएगा, क्वेश्चन में आएगा, लेकिन ये बेसिक चीज है, ठीक है। ये कई जगह पे तुम्हारे सामने क्या होती है, यूज होती है, तो इसको तुम्हें क्या रखना है, याद रखना है कि अगर कभी भी ये आएगा तो इसके फैक्टर ये होते हैं। कौन से फैक्टर हो जाते हैं इसके, सीधे सीधे फॉर्मूले के जैसे याद रख लो इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स, ठीक है। तो इसके फैक्टर याद रखना, ठीक है बच्चों। तो देखो इस वीडियो में इतना ही बेसिक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके ऊपर और क्वेश्चन बनाता हूं, क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाले भी डिस्कस करेंगे, कई सारे फॉर्मूले क्या करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए क्या करते हैं, टाटा बाय बाय।